गंगोलीहार तहसील के अंतर्गत कोठेरा गांव में अपने ननिहाल आए एक सवा दो वर्ष के बालक को गुलदार उठा ले गया। दो वर्ष तीन माह का अंशु पुत्र नेत्रपाल निवासी रुद्रपुर अपनी नानी के घर के आंगन में खेल रहा था। शाम चार बजे गुलदार बालक को दबोच कर उठा ले गया। ग्रामीणों ने हल्ला मचाकर गुलदार का पीछा किया। गुलदार घायल बालक को जंगल में छोड़कर भाग गया। घायल बालक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगोलीहाट लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने बालक को मृत घोषित कर दिया। वन विभाग की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और लोगों से सतर्क रहने की अपील की। डिडीहाट के विधायक बिशन सिंह चुफाल ने कहा है कि पिथौरागढ़ जिले से हवाई सेवा जल्द शुरू होगी। जिस कंपनी के साथ हवाई सेवा के लिए करार हुआ है, उसके पायलट के पास पहाड़ में हवाई सेवा का अनुभव कम था, जिसके चलते नए पायलट की तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश और ओम पर्वत दर्शन के बाद जिले में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आदि कैलाश दर्शन के लिए हर रोज हजार से अधिक लोग पहुँच रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। जिले में आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक कृषि जड़ी बूटी आदि के क्षेत्र में भी योजनाएं बनाई जा रही हैं। अस्कोट क्षेत्र में जल्दी सोना चांदी तांबा आदि निकालने का कार्य हैदराबाद की एक कंपनी करेगी। वार्ता के दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष कोमल मेहता, भाजपा जिला उपाध्यक्ष गहराज पांडे, भाजपा जिला मंत्री योगेश चंद मौजूद रहे। नेपाल के दार्चुला जिले में एक व्यक्ति पुल से चमेलिया नदी में गिरकर लापता हो गया। स्थानीय लोगों ने इस व्यक्ति को पुल से नदी में गिरते हुए देखा। सूचना मिलने पर सशस्त्र पुलिस और नेपाल पुलिस की टीम तलाश में जुट गई। संबंधित व्यक्ति के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। नेपाल के अछाम जिले में हुई एक जीप दुर्घटना में 8 यात्री घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक दुर्घटना में लेक के पास हुई। हादसे का कारण जीप का ब्रेक फेल होना बताया गया है। घायलों में 25 वर्षीय चालक महेश खनका, यात्री शानू कुंवर, उत्तम खनका, समीर रावत, राजेंद्र रावत, टेक बहादुर रावत शामिल हैं। पिछले दिनों लखनपुर के पास गुंजी से आते समय एक वाहन गहरी खाई में गिर गया था, जिसमें चार बाहरी राज्यों के दो स्थानीय धारचूला के लोगों की मौत हो गई थी। इनमें से बेंगलुरु निवासी सत्यव्रत परिदा का पोस्टमार्टम 26 तारीख को डॉक्टर बीएस टोलिया व स्वच्छक दर्शन लाल ने किया था। परिवार में इनका एक ही भाई है जो बेंगलुरु से यहां आया था। उसने यहां से उतनी दूर शव ले जाने में असमर्थता जताई थी। इस कारण कल देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष दर्शन लाल व कई सफाई कर्मचारियों द्वारा इनका अपने खर्चे से रंधौला के पास दाह संस्कार किया गया। बेरीनाग विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय बरसायत में शिक्षकों की कमी से परेशान अभिभावकों ने सोमवार को तहसील कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। क्षेत्र पंचायत सदस्य चारू पंत के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि विद्यालय में 38 बच्चे अध्ययनरत हैं और मात्र एक शिक्षक तैनात किया गया है, जिससे विद्यार्थियों के भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के भीतर शिक्षकों की तैनाती नहीं किए जाने पर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तालाबंदी कर दी जाएगी। विद्यार्थी विद्यालय से सामूहिक टीसी कटवा लेंगे। मौके पर पहुंचे तहसीलदार हरीश राम और खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के प्रधान सहायक ने 2 नवंबर तक शिक्षकों की तैनाती का भरोसा दिया। इस भरोसे पर ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया। धरना प्रदर्शन करने वालों में करण राम, शेर राम, उमेद प्रसाद, रंजीत राम, कौस्तुभ राम, रणजीत राम, षष्ठी बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत आदि शामिल थे। खाद्य सामग्री मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने और दुकान में साफ सफाई नहीं रखने पर ऑफर जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में 2 व्यापारियों पर 1,00,000 रुपये अर्थदंड लगाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन ने 2 मार्च 2023 को लीड बैंक के सम्मुख स्थित अन्नपूर्णा मिश्रा मिष्ठान भंडार से खुले मावा का सैंपल भरा था, जिसकी जाँच कराई गई। जांच में नमूना फेल होने पर अपर जिला मजिस्ट्रेट की न्यायालय में वाद दायर किया गया। अपर जिला मजिस्ट्रेट शिव कुमार बर्नवाल ने सोमवार को इस मामले में निर्णय देते हुए अन्नपूर्णा मिष्ठान के स्वामी दिनेश चंद्र जोशी को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत दोषी पाते हुए धारा 51 के तहत 60,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। सिनेमा लाइन निवासी झटका मीट सेंटर में साफ सफाई नहीं पाए जाने और अन्य मानक पूर्ण नहीं करने पर न्यायालय में वाद दायर किया गया था। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने इस मामले में मीट व्यवसायी पर 40,000 रुपये का अर्थदंड लगाया। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने खाद्य सुरक्षा विभाग को दीपावली त्योहार के दौरान खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग करने और मानकों के अनुरूप खाद्य सामग्री नहीं पाए जाने पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। शादी हो या कोई समारोह, बर्थडे हो या उपनयन संस्कार, पार्टी या रिसेप्शन, हम करते हैं हर संभव सुविधा उपलब्ध। पार्किंग से लेके लग्जरी रूम्स तक, हमारा खास मेन्यू आपके पसंदीदा स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ आपके विशेष दिन को बनाए और भी यादगार। मंगल मूर्ति बैंक्वेट हॉल,
नियर हनुमान मंदिर पिथौरागढ़ अपने सभी विशेष आयोजनों को हम बनाते हैं अत्यधिक शानदार व ऐतिहासिक। बुकिंग हेतु आज ही संपर्क करें। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।